सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की कल एक प्रश्न आया था एक अभी अभी आया प्रश्न की बात कहने के पहले अपने अनुभव की बात को मुझे तैरना आता है इसी पानी में तैरना आता है फिर भी यदि बहुत बड़ी नदी हो तो मैं नहीं तैरूंगा पहले सोचते से तैरना आ जाए तो आदमी तैर जाएगा पर अब समझ में आया तैरना आने पर भी तैरने की ताकत कितनी देर की है बहुत बार तैरते तैरते थक गए थोड़ा दूर था तो लगे कितना कैसे पार करें? भक्त दिल्ली के नदी में बहने लगे गंगा नदी में हरिद्वार में तैर के चले गए तैर के लौटे लौटते समय किनारा न मिले पानी के बहाव में बह जाए अब बह जाते तो पता नहीं कितनी देर तक पानी में रहना पड़ता देर तक पानी में रहने में तैरना छोड़ो पार जाना छोड़ो देर तक पानी में रहने में भी थोड़ी थोड़ी मेहनत पड़ती है ज्यादा नहीं तैरना पर जरा 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 जरा, जरा हाथ मारते रहते हैं नहीं तो डूब जाए तैरने में पार जाने में ज्यादा जोर है पानी में रहने में ज्यादा जोर नहीं लगता पर फिर भी कुछ जोर लगता है केवल उनको जिनको सुप्तासन में या सवासन में पानी में रहने की प्रैक्टिस नहीं है कई लोग सवासन में भी पानी में बने रहते हैं मुर्दे की तरह मुर्दा नहीं डूबता कोई न कोई कारण है बल्कि मुर्दे ऊपर आ जाते हैं जिंदे नीचे चले जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं कि शरीर को मुर्दे की तरह छोड़ दो श्वास भी थोड़ा धीमी कैसी लो क्यों नहीं डूबते मेरे गुरु भाई पानी में ऐसे ही पड़े रहते पद्मासन में भी पड़े रहते थे और ऐसे भी पड़े रहते पर कुछ श्वास का करते हैं मुझे नहीं पता वो प्रैक्टिस नहीं की मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ चलाते हुए देर तक पानी में रहता हूं पर फिर भी उसमें भी थकान आ जाती वैसे ऐसे हाथ हिलाने में आपको कोई ताकत पड़ती है इतना कर लो तो बोलो पर यदि दिन भर करने को कहें तो थक जाओगे साक्षी रहना भी थोड़ी मेहनत है साक्षी रहना तैरना है साक्षी रहने में भी थोड़ा दिमाग को स्मृति को जोर देना पड़ता है सहज साक्षी नहीं रहते सहज करता सहज भोक्ता सहज देह सहज काम सहज क्रोध सहज लोभ ये सहज उपजते हैं साक्षी रहना पहले तो बहुत तेरों को आता ही नहीं जिन्हें आता है वो भी कब चूक जाते हैं साक्षी नहीं रहते अर्थात साक्षी होने का स्मरण नहीं रहता स्मृति भी रखने को ताकत चाहिए अब उदाहरण संसारी दू तो क्या करूं काम वासना इतनी सहज है सहज है काम रोकना बड़ा कठिन है पर एक बार काम की पूर्णता के बाद सहज सबको कुछ देर काम की प्रवृत्ति समाप्त होती है क्षमता समाप्त होती है प्राकृतिक कर्म भी सदा नहीं किए जा सकते सदा भोजन नहीं किया जा सकता खाना कितना सरल है पर खाने से चिढ़ाती है कभी कि नहीं मुझे तो बहुत आती है खाने से साथ साथ जब खाने से आती है तो खिलाने वालों से भी आती है। अब खिलाने वाले जानते हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं हम क्या बुरा कर रहे हैं खाने को तो अब स्वामी जी को इतनी भी अकल नहीं है कि हम प्रेम करते हैं इन्हें बुरा लगता है अब उनका अपना गणित है कभी कभी क्या है हम अपने मन की स्थिति से तौलते हैं प्रायः घर गृहस्थी वालों को दिन में टाइम बंधा है अब घर में ही खाना है सौ जगह खाना नहीं उनको लगता है जैसे खिलाना अच्छा है इसी तरह से कहीं लगा लो मुख्य विषय है जो आज हमें कहना है आप कौन है पहले तो ये जान ही जाए अनुभव ही हो जाए और उस अनुभव में जिया जाए उस अनुभव का स्मरण रखा जाए संसारी इच्छा वालों को विषयों को साक्षी रहना बहुत कठिन है रही नहीं सकेंगे साक्षी रहने का बल है निर्विषय चित्र वैराग्यवान चित्त जिनको लिप्सा नहीं मान लिप्सा नहीं मुमुक्षा है केवल मोक्ष की इच्छा है क्योंकि मान भी भोग है काम भी भोग है अर्थ भी भोग है अपोजिट सेक्स तो महाभोग है अब इसमें भोग से मुक्त रहना साक्षी रहना भोग से मुक्त रहना माने साक्षी रहना नहीं भोगना मान मिल रहा है फूलना नहीं है साक्षी रहना अंदर देखे रहना कुछ हुआ तो नहीं पानी में लहर तो नहीं बनी जल जल बना रहे कोई ने पत्थर फेंका कोई ने फूल फेंका किसी ने मुर्दा फेंका कोई छलांग लगा के तैरा पानी पानी रह रहा है जल जल है कुछ नहीं हुआ कूद गया तो क्या पत्थर फेंका तो क्या हुआ क्या मैं तो जल ही हूं अब ये जल हूं का क्या मतलब आप कहोगे तो है ही जल ना जल हूं का मतलब जल होने का ही स्मरण लहर होने का ख्याल ना आने पाए कुछ गड़बड़ हो गई ये हो गया कुछ भी नहीं जल जल रहा कुछ भी हो तो भी तुम जल रहो आदमी ना बनो जो स्त्री स्त्री नहीं भी है या स्त्री है स्त्री है यदि उसके सामने पुरुष आ जाए तो स्त्री प्रगाढ़ हो जाएगी स्त्री बन जाएगी अभी स्त्री होते हुए नहीं के समान स्त्री है पुरुष होते हुए तुम पुरुष होते पुरुष जैसे नहीं हो एक सामान्य हो पर अभी स्त्री आ जाए तो तुम पुरुष हो जाओगे जैसा कि पशुओं में देखा जाता है मादा हीट पर हो तो नर उत्तेजित हो जाता है नर में उत्तेजन आई माने नर में नरत तो कब आया जब सामने मादा थी ऐसे ही मंदिर में भक्ति आ जाती है कथा सुनते में भी आ जाती है जिनमें ज्यादा नहीं थी उनमें भी पैदा हो गई मुझे तो लगता है कमजोर से कमजोर आदमी या साधु भी यदि ऐसी परिस्थिति में हो तो शायद उसके अंदर भी काम की वासना पैदा हो जाए इसीलिए कहावत हो गई स्त्री के संग काम जागी है पर जागी है। काजल की कोठरी पे कैसो सयानो जाए एक दाग काजल की लागी है पे लागी है और मूरख के संग क्रोध जागी है फिर जागी है मूरख आदमी सेवक ना हो सेवा करने वाले कम अकल ना हो परिस्थिति को समझने वाले हो नहीं क्रोध आएगा कई चुटकुले पहले मैंने सुनाए हैं एक राजघर आने में नौकर था उसको सिखाते रहते थे और एक ये कहावत प्रसिद्ध सिखाए पूत दरबारे नहीं जाते क्या क्या सिखाओगे अपनी थोड़ी हो तो, तो बात बने आज एक सिखा के भेजोगे परिस्थिति दूसरी आ जाएगी तो एक कहावत यह चुटकुला प्रसिद्ध है कि एक दिन राजा ने मंगाया नमक तो हाथ पे लेके पहुंच गया तो राजा ने डांटा और समझाया बेवकूफ जब हम कोई चीज मंगाए तो इतनी तमीज नहीं है तस्तरी में लाना चाहिए कटोरी में लाना चाहिए थाली में लाना चाहिए ऐसे लेके चला काठ बांध ली याद रखा ऐसे ही एक दिन घर में नमक नहीं था रानी ने कहा नमक तक नहीं है सीधा चला गया राजदरबार में घर में नमक नहीं जोर से बोला तो फिर डांटा घर की बातें सब जोर जोर से चौराहे पे कहने की नहीं होती कोई बात थी तो तुम धीरे से कह देते ये बात भी गांठ बांध ली एक दिन वो घोड़े पे जा रहे थे पीछे जा रहा था कोई तौलिया कोई सामान गिर गया उठाया नहीं कहा बुद्धू जब पीछे है तो कोई सामान गिरने का पीछे वाला ही जाने कोई चीज गिरे तो उठा लेना चाहिए अब ये हो गई सिखा दिया एक दिन क्या हुआ राजा को जाना था जूते दूसरे थे नए वाले पहनना था उनका जरा जूते लिया जूते गया तो तस्तरी में रख के ले आया अब राजा ही ने कहा है राजा ही ने कहा था कुछ मंगाऊं तो तस्तरी थाली में लाया कर अब यदि अब डांटे तो कहेगा लो जब मैं कहे पे चलता हूं तो भी डांटते नहीं कहे पे चलता तो भी कई बार घरों में ये भी होता है कि हम किसी तरह नहीं जीने देते अब है तो बेवकूफी पर तर्क है कि ऐसा करो तो भी डांट वैसा करो तो भी डांट अब घर में लग गई आग अब आराम से गया धीरे से कान के राजा के कान में कहता है घर में आग लग गई है क्योंकि कहा था कि घर की बात धीरे से करना चाहिए अब जो चिल्ला के कहना था धीरे से कह दिया इसी तरह पीछे सामान गिरा था नहीं उठाया था तब उसने संकल्प कर लिया अब एक दिन राजा जा रहा था घोड़े ने लीद कर दी पीछे गिर गए तो उठा के तौलिया में आराम से ले आया और जब राजा पहुंच गए तो रख दिया ये आज गिरा था पीछे आप लोग भी घर में कहते होंगे हम इनकी एक एक बात मानती हैं फिर भी ये दुखी है चिढ़ते रहते नहीं कहते पर मानते ऐसा ही हो जैसे मूर्ख वो किसी बात को गहराई को समझना ऐसे ही अध्यात्म में भी हम एक बात कहेंगे तो दूसरी गलती करोगे तुम साक्षी हो ब्रह्म हो चिंतन के भी मोहताज नहीं हो तुम मुक्त हो बंधे ही नहीं हो न मोमुक्शुर न वही मुक्त बंधन क्या है कहीं ना कहीं आभास में अहम भाव आभास में मैं पना माने जीवाध्यास हाध्यास अपन लोग पहले नहीं जानते थे दो अध्यास हैं जीवाध्यास देहाध्यास देह हूं यह अध्यास सबको है ध्यान वाले ज्ञान वाले भगत इन सबका जीवाध्यास रहता है ध्यान में अत्याच क्योंकि आभास की स्थिति ध्यान के अनुरूप हो जाती है प्रसन्नता आती है और ये ने आवश्यक माना दैवी संपद विमोक्षा निबंधाया सुरीमता ज्ञान ध्यान एकाग्रता पवित्रता निर्मलता भक्ति आभास के हैं, स्वरूप में नहीं है आभाषंश में और अभी आप देह के कष्टों को कष्ट समझते हो और आभासंस अंश के धर्मों को अपना धर्म समझते हो आभाष रिफ्लेक्शन जीव जगना सोना दुखी होना सुखी होना यह भी मेरे स्वरूप में नहीं है इसको केवल तर्क से रटना नहीं है इसको क्लियर करना है कि ये मेरे स्वामी नहीं है पर समझ लो स्वप्न की मौत तुम्हारे स्वरूप को नहीं छुपाई इतना भी नहीं मरे हंड्रेड परसेंट मर गए थे स्वप्न में पर जब जागे तो हंड्रेड परसेंट बचे एक परसेंट नहीं मरे पर फिर भी स्वप्न में मरना सच्चा लगा था ऐसे ही आभास का स्वरूप में स्पर्श नहीं है आभाष अंश का स्वरूप अंश में इतना स्पर्श नहीं है ऐसा भी नहीं कि थोड़ा प्रभाव पड़ता हो चीजा भाष अंश में जो परिवर्तन है साक्षी अंश में स्वरूप में कूटस्थ में आत्मा में लेश भी फर्क नहीं पड़ता लेश और ये जो प्रतीति है चूंकि आभास आपका जो मैंपना है वो आभास, है। आप और आभास को ही मैं जानते हैं और जब तक इसे मैं जानते हैं उस समय इसके धर्म तुम्हें अपने लगने लगते हैं ये अहंकार भी यद्यपि मिथ्या है मैं आभास हूं या मैं देव हूं यह मिथ्या अहंकार है पर है मिथ्या जिस समय मिथ्या न लग उस समय दुख सुख होंगे ज्ञानी को भी क्योंकि स्वरूप में तो अज्ञानी के भी नहीं है स्वरूप में नहीं है आभाष में ही है लेकिन अज्ञानी का मैपना मुख्य मुख्य मैपना आभाष में है ज्ञानी का मुख्य बना बोध का जो मैपना सच्चा मैपना आत्मा में है पर जरा सा चूके तो उसका भी आभास अंश में मैंपना चूकी रहा है वो हो जाता है तो जिस सेकंड में आभास अंश में, में मेरा मैपना नहीं है और ये मैपना भी जो आभास अंश में है उसी को साक्षी अंश में करना है साक्षी को नहीं करना इसको शब्द में वकालत में मत पढ़ो तुम्हारा मैंपना जैसे आभाष अंश और देह में है ऐसे ही आपका मैंपना साक्षी अंश में यद्यपि हो आभाष में अहम ब्रह्म यह ज्ञान यद्यपि हो आभाष में अहम ब्रह्म यह ज्ञान मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान भी आपका आभाष में ही होगा पर तथा कूटस्थ में लहै आप अभिमान ये भी अभिमान कूटस्थ में करे जैसे आभासंस अंश में ही अभिमान है देह का देह में नहीं है मैं धनी हूं ये अभिमान धन में नहीं है किसमें है अंतकरण आभास में मैं धनी हूं ऐसे ही मैं देह हूं ये अभिमान स्थूल देह में नहीं है ये अभिमान सूक्ष्म देह आभास में है तो जीव देह का अभिमान करता है तो मरता है इसी तरह से जीव में ही अभिमान होता है कि मैं साक्षी हूं साक्षी में अभिमान नहीं होता साक्षी के आश्रित आभाष अंश में ही मैं देव हूं मैं सुखी दुखी हूं करता भोगता हूं और मैं करता भोगता नहीं हूं अब ये करता भोगता नहीं हूं रटना नहीं है करता भोगता नहीं हूं ये एक्सपीरियंस अनुभव करना है कि ये मेरा धर्म नहीं है यदि ये मेहनत कर ली ये मेहनत है हाँ, बिना मेहनत के नहीं होगा सुनना इस मेहनत में सहयोगी है बिना सुने तो ये बात तुम्हें जमेगी नहीं सुनने से जमेगी श्रद्धा करोगे तो आपके अंदर साक्षी होने का साक्षी स्मरण का बल प्राप्त हो जाएगा आप ये कर सकोगे कि मैं करता नहीं हूं भोक्ता नहीं हूं जीव नहीं हूं साक्षी हूं ये अभिमान पैदा होगा और ये मुक्त देने वाला है और ये प्रयत्न से आएगा इसमें भी बल लगेगा ताकत लगेगी इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा बहवो ही ज्ञान तपसा पूता बहुत लोग ज्ञान तप से ज्ञान का ख्याल रखना ये तप है क्यों तप है भोग सामने है तुम्हें साक्षी रहना है सामने विषय है भोगना नहीं है भोगना नहीं है तन से नहीं मैं भोगता हूं यह सोचना नहीं है मैं सुखी हो जाऊं तो सुख स्वरूप है सुखी होने की क्यों सोचता है यह सोचना मना है और अभी सुखी होने के लिए लालाई तो जरा सा सुख दिखेगा तुरंत चिपक जाओगे मैं सुखी हो गया मैं बड़ा हो गया मैं ये हो गया ये हो गया और हो हो गए कर्म से हो स्वरूप से स्वरूप में नित्य धर्म है कर्म से अनित्यता की प्राप्ति होगी नास्ते अकृत कृतेन करने से जो बड़े बने हो वो कर्म का प्रभाव है भोगना कर्म किया भोगा क्रिया की देखा सुना जोड़ा मेहनत की हो गए आभास अंश में आरोपित करके अपने मैपन को सुखी हो गए बड़े हो गए हो गए कितनी देर रहोगे जब तक कर्म का वेग रहेगा या कर्म का फल आपके पास रहेगा धन कमाया धनी कितने दिन रहोगे एक बार धनी होने के बाद सदा बने रहते हैं ना एक बार जवान होके जवान बने रहते हैं ना एक बार मान मिल गया बहुत इज्जत हो गई फिर वो बनी रहती है ना मेरी बहुत इज्जत हो गई और कहो कल ही सब चौपट हो जाए इतनी इज्जत और एक गड़बड़ काम हो जाए और फोटो अखबार में आ जाए कहे कोई कर्म का फल नित्य नहीं है पुण्य का फल भी नित्य नहीं है पाप का फल भी नित्य नहीं है फल नहीं है ये मत समझना और अज्ञानी को ही फल मिलेगा ये ध्यान रखना अज्ञानी ही पुण्य का फल भोगेगा और अज्ञानी ही पाप का फल भोगेगा ज्ञानी तो भोग से बचता है भोगने के ख्याल से बचता है भोगने की नीयत से बचता है भोगने के लिए कर्म ही नहीं करता तुमने तो दान पुण्य यज्ञ भी किया स्वर्ग की तैयारी की वो कहता है स्वर्ग झूठा भोगना ही झूठा भोगता ही झूठा भोक्ता और भोग्य माया कल्पित है झूठे ना मैं भोगता हूं ना मैं करता हूं ये बात यह पहले भी हमने पढ़ी पहले भी हमने सुनी आप भी सुन रहे पर जो मैं कह रहा हूं ये आज नहीं सुन पाओगे ये सुनने के लिए भी टाइम लगेगा मैं आज कह सकता हूं पर आज आप पूरा उसी अर्थ को पकड़ लेंगे बड़ा मुश्किल है शंकराचार्य कहते हैं नम मुक्षुर न वही मुक्त न निरोधो न चोत्पत्ति न च न च साधका नम मुक्षुर न वही मुक्त इतेशा परमार्थ परमार्थ तो ये है कि तुम जीव नहीं हो करता नहीं भोक्ता नहीं मुक्ति नहीं बंधन नहीं जन्म नहीं मृत्यु नहीं सच्चाई तो यह है कभी कुछ तुम्हारे स्वा में हुआ ही नहीं तुम्हारा स्वा तो सदा ही कुमारी रहा है कुमारी विवाह ही नहीं हुआ राण क्या हो गए राण तो वो होती है जो विवाह होता है विवाह ही तुम्हारा नहीं राण कैसे हो जाओ जन्मे ही नहीं मर कैसे जाओगे करता ही नहीं भोकता कैसे हो जाओगे करता भोकता नहीं, नहीं 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 ही मुक्त कैसे हो हो जाओगे जब बंदे नहीं, बंदे हो तो छूटोगे चूंकि पहले बंधे का ख्याल था इसलिए मुक्ति कही क्योंकि तुम अज्ञानी थे तुम देहाभिमानी थे मरते थे तो कहा हम बचाएंगे चिंता मत करो तुम्हें नहीं मरने देंगे तुम करता भोगता थे बंधन में थे सुखी दुखी थे तो मुक्ति का आश्वासन दिया पर जब मुक्त होने का पता चला तो चला बंधन ही नहीं था जीव भाव ही झूठा है स्वप्न में बड़े उपद्रव किए सुख दुख पाने और बचने के नींद खुली तो कुछ था ही नहीं नींद खुली तब सब झूठा बंधन झूठा मुक्ति झूठी मुक्ति भी पर अभी सच्ची लगेगी मुक्ति अभी सच्चा लगेगा सुख चूंकि दुख सच्चा लगता है चूंकि जीव भाव सच्चा है तो मुक्ति सच्ची है जिस दिन जीव भाव ही कल्पित होगा उस दिन मुक्ति स्वरूप है प्राप्त नहीं होती मुक्त स्वरूप हो मुक्त हो गए आहा मुक्त हो गए जो बंधे थे जो बंधे थे मुक्त हो गए अब बंधे हो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे ये भी मैं बताऊं जब बंधे हो तो मुक्त हो जाओगे टेंशन में हो तो मुक्त हो जाओगे मरते हो तो बच जाओगे और यदि सचमुच जानोगे कि मेरे स्वापन में मेरी मेरे अस्तित्व में लेश विकार नहीं है बिकार ही नहीं है विकार का तो भ्रम है विकार भ्रांति है कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति है आवागमन की भ्रांति है और जन्म मरण की भ्रांति है इतनी चीजें तो झूठी है तो जब इतनी झूठी है तो रह क्या गया तो जो मैं सुनाता हूं अभी बहुत लोगों के काम का नहीं है नहीं काम का है चूंकि अभी हम शरीर हैं बहुत हिम्मत जुटाए तो अंत है इसी मन की खुशी के लिए जी जान लगाए रहते हैं मन को छोड़ने मन से छुटकारा नहीं मन से संबंध का त्याग नहीं मन को अपना बना के या तो मन की किए जा रहे हो या मन को दबाए जा रहे हो अपना बेटा है तो या तो मनमानी करने की जवाहरलाल की तरह मोतीलाल की तरह छूट दे रहे हो मेतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को बहुत छूट दी थी उनका बेटा था ना तुम्हारा भी मन है ना इसको छूट देते हो या फिर कई लोग अपने बेटे को बहुत दबाते बर्बाद तो औरों के बेटे भी हैं औरों की बेटियां भी बहुत गलत रास्ते पर है पर माता पिता को कोई दुख नहीं उनका तुम्हें दुख किसका है अपना बेटे बेटी का अब जिसका अंत करण में मैपन है उसको चिंता करनी पड़ेगी या तो यह तुम्हारा है नहीं कल्पित है तुम इससे मुक्त हो तो करने की कोई जरूरत नहीं यदि ये तुम्हारा है तो इसे ठीक करो इसलिए जब तक अज्ञानी हो अंत करण को शुद्ध करने का ठीक करने का प्रयास करना चाहिए तुम कह भी दोगे अरे हमारा कोई नहीं प्रवचन में जब तुम्हारी लड़की गलत रास्ते चलेगी तो फिर छाती ठोको फूटोगे कहना अलग है हमें कोई परवाह नहीं स्वामी जी पर जब घर के बच्चों का मामला आता है तो रात नींद नहीं आती छाती जलती है कहाँ जाए मुंह दिखाने लायक नहीं है ऐसे ही अंत करण का धर्म है मेरा नहीं है पर जब पड़ोसी तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो आपको बहुत पीड़ा होती है एक तरफ से हम देह और अंत बनकर समाज में यशमान चाहते हैं और एक तरफ अंत के धर्म मान करके मनमानी करते हैं हम मनमानी करेंगे आदर नहीं मिलेगा तो यह तो पहले ही सोच लो कि हम जूता खाएंगे ये सब होगा फिर भी हम मुक्त रहेंगे यदि तुम्हारा धर्म नहीं है तो तुम दुखी क्यों हो इसीलिए विनोबा जी ने दो बातें कही कि या तो ये सबसे संबंध नहीं फिर बुद्धि स्मृति टिके न टिके ये भी खतरा गया और या तुम बुद्धि हो तो स्मृति टिकाओ दो ही बातें ज्ञान होने पर भी आभाष अंश की अच्छाई निष्ठा का प्रयत्न करो या निष्ठा की भी जरूरत ही नहीं ब्रह्म को क्या निष्ठा की जरूरत पूर्ण मुक्ति का मतलब है कि अब तुमको कुछ करना बाकी नहीं है और यदि मन के धर्म तुम्हें सताते हैं थोड़ा लगाव है तो इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आप अंतःकरण के धर्म को ही अपना आप मानते हो इसके सुख दुख तुमको प्रभावित करते हैं आत्मा सुखी दुखी तो तुमने देखी नहीं अंत करने ने ही परेशान किया है इसलिए जीतम जगत के न मनोहीन जो मन चंगा तो कठौती में गंगा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन और बंध और मोक्ष मन में है स्वरूप में नहीं बंधन और मोक्ष अभाषांश में है और आभाषांश में मैंपन अज्ञान से है यदि इसका मैपन छोड़ सकते हो तो छोड़ दो पर ये मैं नहीं हूं साक्षी मैं हूं ब्रह्म मैं हूं ये कुछ कोई तो सोचेगा देव हूं जैसे कोई सोचता है तो मैं ब्रह्म हूं कोई तो सोचेगा तो कौन सोचेगा वही आभास जिस अंत से आप अभिमानी बनकर कर्ता भोक्ता बनकर दुखी होते हो बंधन में हो उसी अंतःकरण से उसी बुद्धि से ये देखकर कि मैं ये नहीं हूं साक्षी हूं ये अंदर पैदा होना इसलिए बहु ज्ञान तप शापूता ज्ञान बड़ा तप है बड़ी मेहनत है ज्ञान भी बड़ी मेहनत है समझ कुछ कहेगी समझना कुछ है मेरी ही समझ कहती है दुखी हूं और मुझे को समझना है दुख मेरे स्वरूप में नहीं है मेरी ही चित्तवृत्ति सुख की तरफ भगाएगी और मुझे कहना है सुख कहीं नहीं है मेरे स्वरूप के अलावा सुख नाम की वस्तु कहीं नहीं अब निश्चय को निश्चय से काटना अपने निर्णय को अपने निर्णय से काटना अपने अनुभव को अपने अनुभव से स्वप्न का अनुभव मेरा था या पड़ोसी का बोलो और जग जाने पर उसके झूठा अनुभव मुझे हुआ या पड़ोसी को दोनों अनुभव मेरे अनुभव को अनुभव से बुद्धि के ज्ञान को बुद्धि के ज्ञान से मेरे पास एक ऐसी बुद्धि हो जो बुद्धि की आज तक की समझ को काट दे होगी वो भी बुद्धि इसीलिए उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे आ, उसको आ, प्रमा ज्ञान कहेंगे यथार्थ प्रमा सही ज्ञान ज्ञान तो ये भी ज्ञान ही जग कर है ज्ञान ही स्वप्न में था स्वप्न में भी तो ज्ञान ही था कि ये हुआ ये हुआ सुख है दुख है ये मार रहे हैं लूट रहे हैं मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ये ज्ञान मुझे ही तो था मुझे को ये फिर झूठा लगा जितनी ईमानदारी से स्वप्न सच्चा लगा उतनी ही ईमानदारी से जगने पर झूठा हो गया जरा भी इसी तरह जिस ईमानदारी से तुम जानते हो कि हम जन्मे में मरे हैं दुखी हैं हम जीव हैं, हम करता हैं, हम पापी हैं और इतने पुण्यात्मा है ये खेल नहीं है पाप ग्रंथी भी छूटती नहीं है कही न कहीं ना कहीं ग्लानी रहती है और पुण्य भी आसान नहीं है हमने गंगा नहाया ये बेईमान हाँ हम तो रोज सुबह नहाते हैं ये आलसी हम तो गुरु बनाया है हमने तो ये किया है हमने तो यज्ञ किए हैं हम इतने धनी हैं, इतने विद्वान हैं इस जाति के हैं ये हमारी बराबरी करता है ये पुण्य भी कोई खेल नहीं है पुण्य को काटना पुण्य कर्म नहीं काटना पुण्यों के कर्तापन का अभिमान काटना भगवान कृष्ण ने कहा ये अच्छे काम है इनको मत छोड़ो पर इनसे जो सुपीरियरिटी निर्मित करते हो वो मत करो आत्मा में जैसे मुख में काला गंदगी लगाना अच्छा नहीं है रामलीला में लोग लगाते हैं ऐसे पाउडर लगा के सुंदर बन के ये भी पाउडर है तो अपने ऊपर पुण्य मत पोतो पुण्यों के बल से कर्ता बनकर सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण मत करो और गलतियों से इंफीरिटी निर्माण मत करो आप जो हो वही रहो और जो आदमी पुण्यों से श्रेष्ठ समझकर किसी पाप करने वाले से घृणा करता है जाने अनजाने सुपीरिटी निर्मित हो रही है क्या तुम गलती करने वाले को क्षमा कर सकते हो क्या तुम किसी ऐसे को प्यार दे सकते हो इसका मतलब तुम्हारी खोपड़ी में पुण्य का महत्व तो बहुत है उससे जरूर कुछ तुम विशेषता अनुभव करते होगे नहीं ज्ञानी के लिए क्या पाप और क्या पुण्य पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम क्या पाप क्या पुण्य पाप के द्वारा मिलने वाले सुख भोगतापन का त्याग नहीं कर पाते इसलिए पाप कर रहे हो पाप से तत्काल सुख मिलता है ध्यान रखना पाप से तत्काल सुख मिलता है और पुण्य से बाद में सुख मिलता है कॉम्प्लेक्स दोनों है पुण्य से देर तक यश मान मिलता है स्वर्ग मिलता है पाप से अभी अभी स्वर्ग क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि पाप से यदि तुरंत सुख न मिलता तो कोई पाप न करता क्योंकि और तो सब नुकसान ही है पाप से वो जो तत्काल अच्छा लगता है यदि खाते में चीनी अच्छा, मीठी ना लगती तो डायबिटीज वाले क्यों खाते चीनी पर वो खाते में अच्छी लगती फिर चाहे पैर कटाना पड़े जितने नर्क ले जाने वाले काम है शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए तीन चीजें लोभ काम क्रोध ये तीनों नरक के द्वार हैं पर गेट में लिखा ही नहीं है गेट में तो इतना अच्छा लगता है कि चले जाओ अंदर जाते हैं तब नरक मिलता है ये तीन काम क्रोध लोभ ये नरक ले जाने वाले हैं नरक ले जाने वाली गाड़ियां हैं कहीं स्वर्ग ले जाने वाली तो बताई तो है पर एक चुटकुला जरा इससे भिन्न है एक आदमी स्वर्ग के लिए जाना था निकला घर से नरक जाने को तैयार था नहीं जब बाहर निकला कहें ये कार कहाँ जाएगी कहें नरक कहें ये अम्बेसडर के नरक कहें ये टेम्पो नरक सब नरक जा रहे थे कहें ये रास्ता कहें स्वर्ग कहें गाड़ी कहें कोई नहीं पैदल जाना पड़ेगा स्वर्ग तो कहते हैं स्वर्ग कौन जाए चलो नरक ही चलते हैं बात समझ में चूंकि सवारी थी सुविधा थी तो इसमें बैठ गए अभी अच्छा लग रहा है भले नरक ले जाएगी पर सुविधा तो है और भले यह स्वर्ग का रास्ता है पर पैदल दोपहर जून का महीना कौन जाए बात समझ में यह है स्वर्ग और नरक के कर्मों का फर्क लेकिन ज्ञानी न स्वर्ग की गाड़ी में बैठता है न पैदल चलता है न नरक वो अपने में रहता है स्वर्ग मेरा ख्याल है नरक मेरा ख्याल है ख्याल का अर्थ ऐसा मत समझ कि ये पंडितों ने बना रखा है बनाया हमारा नहीं पर हम जब हम ये कहते हैं नरक ख्याल है स्वर्ग ख्याल है तब ये भी कहते हैं संसार के सभी सुख ख्याल हैं, सभी दुख ख्याल है यदि ये, ये समझ में आ जाए हाँ तो है ये नहीं तुम्हारे लिए ख्याल नहीं है कहीं हमारा प्रवचन सुन के नरक को ख्याल समझ के कल मनमानी करो फिर कहो स्वामी जी आपके कहने से ही हमारी दुर्दशा हुई है सारे ज्ञान सारे जितने ज्ञान हैं अध्यारोपित हैं आरोपित है ज्ञान जितने ज्ञान होते हैं सिर्फ मेरे बोध स्वरूप चेतन के अलावा जो भी ज्ञान होते हैं आरोपित हैं और अज्ञान भी अज्ञान भी तभी तक सच्चा है जब तक ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान होने के बाद अज्ञान भी आरोपित और कल्पित है क्योंकि आत्मा में अज्ञान भी संभव ही नहीं है वो तो बोध स्वरूप है पर ये बात कोई गुरु हो और सच्चाई से इसे समझने में लगे रहो हमारे गुरुदेव ने सब बताया तो था पर समझ नहीं आया कोई तुलसीदास पर ही ये बात लागू नहीं है निन्यानवे परसेंट शिष्यों पर एक ही बात लागू है कि तब कथा सुनी थी राम की पर तब मैंने समझी नहीं तब मैं रहूं अचेत बालपन तब मैंने समझा नहीं जब गुरुजी नहीं रहे परिस्थितियां आई तब समझ में आया ये ज्ञान भी सुन रखोगे तुम्हें लगेगा भी समझ गया उस समय तुलसीदास से कोई पूछता ना तो कहते मैं सब समझ रहा हूं पर बाद में अपने आप कहते हैं तब मैंने नहीं समझी थी हमें हमने भी तब नहीं समझी थी समझ में तो अब आ रही है तुम भी जो सुन रहे हो सचमुच समझना चाहते हो मुक्त होना चाहते हो तो आगे मेरी अनुपस्थिति में भी तुम्हें समझ में आएगा पर आएगा उन्हीं को जिनको कम से कम टेप तो हो गया है प्रवचन टेप हो गए हैं समझ बाद में आ जाएगी शास्त्र के संस्कार बन जाएंगे उसके आधार पर कल सोचोगे घर जाके सोचोगे कि उन्होंने तो ये कहा था और ये बड़ी कहानी बड़ी ही मनोरंजक है एक ये कि इंद्र और बैरोचन दोनों ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास बैरोचन भी गया इंद्र भी गए ज्ञान लेने के लिए वो बड़ी लंबी कथा है उन्होंने कहा जो आंख से दिखता है आंख में आंख में जो दिखता है आंख में जो है यही तो है अब सुन के चले आए दोनों सुन के आए दोनों खुशी से लौटे सुनते समय दोनों को अच्छा लगा बैरोचन लौट कर फिर नहीं गया इंद्र को फिर संदेह हुआ कि ये कैसे ब्रह्म हो सकता है उस समय बिल्कुल सही लगा लेकिन संदेह हुआ दोबारा गए उनका फिर दस वर्ष कहो या सौ वर्ष वो कथा मुझे सही नहीं याद कि जाओ ब्रह्मचारी रहो फिर आओ फिर बताया फिर ब्रह्म का उपदेश किया फिर इंद्र चला गया फिर समझ के आता था वहां जाके फिर संशय होता था फिर प्रश्न उठता था कि ये ये कैसे हो सकता है जैसे हमने कहा तुम करता नहीं भोगता नहीं हमने कह दिया फिर बाद में देखना संदेह होगा फिर पूछने आए फिर संदेह हुआ फिर पूछने आए चार बार है इंद्र बार बार आया चला जाता समझ के जाता वहां जाके पता चलता पूरा नहीं समझा अभी गड़बड़ी है कुछ संदेह है फिर पूछने जाते तो गुरु के बात सुन करके के घर में तुम्हें संदेह होना चाहिए कि बताया तो ये है ये लागू तो हो नहीं रहा प्रश्न उठना चाहिए फिर पूछो एक ही दिन अब यही कह देते लगातार सुनते रहो जाओ ही मत यदि जाओगे नहीं तो भी बात नहीं बनेगी यही बने रहोगे तो कहीं ज्ञानी होने का भ्रम हो जाएगा क्योंकि गड़बड़ होगा ही नहीं बातों में बने रह जाओगे इसलिए बीच में जाओ फिर प्रश्न उठे तब आओ ये नहीं कि चित्रकूट बने रहो तो ज्ञानी हो जाओगे ये समझ लेना चित्रकूट छोड़ के भी जाओ सत्संग छोड़ के जाओ उन परिस्थितियों में जाओ फिर अपने से पूछो ज्ञान है समझ में आया है टिका है फिर आओ फिर पूछोगे ना तो आपका प्रश्न होगा अभी तो आप रटे रटाई बातें पूछोगे तब आदमी अपनी परिस्थितियों में बीती समस्याएं सोचता है कहां गड़बड़ी हुई पहले हम बड़ी जल्दी ज्ञानी हो गए थे गुरुदेव के पास आए ब्रह्म ज्ञान के नीचे कोई बात ही नहीं सिो हम सो औ, और अभी भी बहुत सारे ज्ञानी है उनको प्रश्न नहीं उठता जिनको प्रश्न नहीं उठता या तो तो सचमुच ज्ञानी है या बैरोचन है प्रश्न न उठने वाले सावधान रहे या तो इतने ना समझ हो कि ही नहीं है या इतना तुम समझ गए हो कि संदेह रहा नहीं नहीं तो संदेह पैदा होने चाहिए प्रश्न उठने चाहिए और वही सच्चे प्रश्न हैं जो तुम्हें एकांत में कचोटते हैं वेदांत पर भी संदेह करो संदेह दबाओ मत प्रश्न छिपाओ मत पूछो कल हमने कहा था प्रश्न पढ़ दे गुरु उपदेश से अमन हुआ चिदाभास ही साक्षी है क्या गुरु उपदेश से अमन हुआ चिदाभास ही साक्षी है क्या जब चित्त अमन चिदाभास अमन हो जाता है तब आभास चिद में चिद से भिन्नता का भ्रम टूट जाता है चिद की भिन्नता चिदाभास में नहीं मालूम पड़ती चिदाभास चिद रूप ही चिदाभास चिद रूप या साक्षी रूप या कूठस्थ रूप अनुभव में आता है क्योंकि अनुभव में हमें आभास ही आता है ज्ञान में हमें आभास ही आता है चाहे सुसुप्त चाहे स्वप्निक चाहे सुखी दुखी चाहे जागृत समाधिस्थ बोध चिदाभास की अवस्था ही ज्ञान का विषय बनती है तो जब चिदाभास भास चिद रूप हो जाता है उस समय चिद ही अर्थात साक्षी ही साक्षी रूप से भासता है कोई नया साक्षी हो नहीं जाता पर फिर भी साक्षी साक्षी की तरह प्रकट हो जाता है फिर प्रश्न था कि क्या पुनः गुरु उपदेश की आवश्यकता है ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्मबोध का अर्थ होता है आत्मा की व्यापकता हमें देह में और आभाष में अहम भाव रहा व्यापकता का ख्याल नहीं आया तो कभी इसको कल्पित कर देने के बाद भी अः आभाष अंश का बाध करने पर भी साक्षी अंश स्पष्ट होता है पर साक्षी व्यापक है ये प्रायः लोगों के ख्याल में नहीं आता इसलिए इसके लिए महावाक्य उपनिषद वचन की सर्वाधिष्ठान एक है सर्व व्यापक है, है वही अंतकरण में साक्षी कहलाता है भाई ब्रह्म ही तो साक्षी कहलाता है साक्षी ब्रह्म कहलाता है यह मानने में थोड़ी दिक्कत है उल्टा चलो ये घड़े की मिट्टी ही सब है यह मानने में दिक्कत है पर जो दुनिया में मिट्टी है वही तो घड़े में है जिसको आप मिट्टी कहते हो वही इस घड़े में है कि यहां दूसरी है कोई सेपरेट तो जो ब्रह्म व्यापक है सब के अंदर है यहां वही तो है तो ब्रह्म ही यहां विराजमान है इसलिए आपको नहीं समझ आता हमें भी जल्दी समझ नहीं आता था कि ये दो तरह से क्यों बोलते हैं भागवत में ये वाक्य दो तरह से बोला अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परम पदम एक में अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं दूसरे में ब्रह्म ही मैं है व्यापक मिट्टी ही इस घड़े में है सब जगह रहने वाली मिट्टी ही इस घड़े में है ये बात तो मान गए, ये इस घड़े में जो मिट्टी है यही तो व्यापक है मिट्टी तो दो है हाँ ही नहीं इसलिए दो तरह से सोचना है ब्रह्म ही है मेरे अंतकरण में साक्षी इस अंतकरण आभास का आश्रय प्रकाशक निर्विकार नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है यहां थोड़ा थोड़ा बंधा है नहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है नहीं पूर्ण शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही यहां ज्यो का त्यो रहता है कम होके नहीं रहता बिगड़ के नहीं रहता विकृत होके नहीं रहता जितना शुद्ध ब्रह्म है उतना ही यहां है यहां कम है और कम तो आभा अंश में जो मिट्टी किसी बर्तन में है वही शुद्ध मिट्टी इस बर्तन में है वो दो नहीं है वो तुम्हारे मेरे में भिन्न नहीं है इसलिए यह मानना आसान है कि ब्रह्म मेरे अंदर रह के भी बिगड़ता नहीं उधर से शुरू करो जो ब्रह्म है जो बिगड़ता ही नहीं वो मेरे अंदर कैसे बिगड़ जाए जो आकाश गंदा नहीं होता मेरे घर के भीतर कैसे गंदा होगा आकाश को धूल चिपकती नहीं तो मेरे घर के आकाश में धूल कैसे चिपक जाएगी जो बाहर का आकाश कटता नहीं वो मेरे घर के आकाश में तलवार से कैसे कट जाएगा तो जो ब्रह्म अलेप है वो अलेप ब्रह्म मेरे अंदर साक्षी रूप में बैठा है और ये जो साक्षी रूप है ये अपरोक्ष है। ब्रह्म अपरोक्ष नहीं था ब्रह्म परोक्ष था कि ब्रह्म निर्मल है शुद्ध है मुक्त है सर्वत्र है ये परोक्ष वचन है और वही साक्षी है और साक्षी में हूं मैं साक्षी हूं तो मैं ही ब्रह्म हूं यदि आप समझ गए कि मैं साक्षी हूं तो ब्रह्म ही साक्षी है इसलिए साक्षी ही ब्रह्म है साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह अनुभव करना पर अभी तुमको देह विवेक की कमी और आदत अध्यास अंतकरण के धर्म तो कुछ अंतकरण के धर्मों को अभी समाप्त तो, तो नहीं करो पर अंत को शुद्ध करो सत्व गुण बढ़ाओ ध्यान कराओ गुरु भक्ति पूजा पाठ मन के मन को, को निर्मल और तत्व का विचार अशुद्ध मन कामना से भरा मन तुम्हें समझने नहीं देगा दुखी मन तुमको साक्षी होने नहीं देगा इसीलिए जितना ही सांसारिक मन होगा उतना ही साक्षी रहना संभव नहीं होगा साक्षी का बल वैराग्य के विनन बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरस है इसलिए जितना ही संसारी मन होगा विषयी होगा क्रोधी होगा ईर्षालु होगा उस कहे तू साक्षी है तेरे में दुख का लेस नहीं कह दुख का लेस नहीं एक महात्मा की डाढ़ में दर्द था वो चिल्लाने लगे तो दूसरे गुरु भाई आए ये, ये पौराणिक कथा नहीं है ये करही पतखोरी की है तो दूसरे गुरु भाई आए अरे तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो तुम तो ब्रह्म हो तुम कहते हो दर्द है चिल्लाते हो फलाना है तब तो दर्द तो बहुत था कहते तुम तो सच्चिदानंद हो तुम तो ब्रह्म हो तो तुरंत दुखी तो थे पीड़ा बहुत थी दर्द सहन नहीं हो रहा था तो कहने लगे सच्चिदानंद की ऐसी तैसी अब वो दर्द में चित्त दर्दाकार वृत्ति दर्दाकार अब दर्दाकार वृत्ति रहे तो साक्षी वृत्ति कैसे रहेगी यदि तुमको लगे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए मैं तो स्वरूप मुझे कोई कमी नहीं है जिसको बनस... संसार के सुख चाहिए ये मान चाहिए मान नहीं मिला तो वो साक्षी हो जाओ वो मान की वृत्ति साक्षी होने नहीं देती सुखा शक्ति साक्षी नहीं होने देती वो इतना अज्ञानता और वासना है कि तुमको कहो तुम साक्षी हो तुम ब्रह्म हो तुम आनंद स्वरूप हो आनंद क्यों मांगते हो हलो ये अंदर से जो आनंद की मांग है वो भोगने की वो तुम्हें साक्षी नहीं होने देती इसलिए विषयी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इसलिए एक कहा है ये रामायण में है व्यसनी धन शुभ गति व्यविचारी सेवक सुख चाहे मान भिखारी हाँ सेवा करते हो और मान चाहो डांट ही पड़ेगी चाहे हमारे पास रह के देख लो पीठ नहीं थप थप आने वाले क्योंकि दिन भर तुम गलती करोगे मैं प्यासा बैठा रहूंगा थर्मस तुम छोड़ाओगे जहा हम ठहरे नहीं समझ में तो डांटे ही पड़ेगी और पड़ेगी क्या तो सेवक सुख चाहे सम्मान चाहे और सेवक सुख ओके क्या मांगने जाए चाहे आश्रम के लिए रसीदे लेके जाओ कोई ना कोई ऐसे बाण मारेगा कि लगेगा छोड़ो यार सदस्यता होंगे सम्मेलन करो कलेक्शन करो पता चल जाएगा कहते आजकल तो धंधा है अब तुम तो गुरु भक्ति में आके हिम्मत जुटाई वो ऐसे बाण मारेंगे कि घायल हो जाओगे सेवक सुख चाहे मान भिखारी व्यसनी धन गति व्यभिचारी अनेकों का सुख लेने में निरत अनेक पुरुष या स्त्रियों से सुख लेने वाला ही व्यभिचारी नहीं है अनेक अनेक नए नए ढंग से सुख लेने की इच्छा रखने वाला भी व्यविचारी है और केवल ब्रह्म का सुख लेने वाला ही ब्रह्मचारी है हा ब्रह्मचारी अनात्म विषयों से सुख लेना व्यविचार और आत्म रमण करना ही ब्रह्मचर्य है इस तरह से इसको उपलब्ध करो और फिर आपको कोई जरूरत नहीं पहले चलो पहले गुरु के कहने से चलो और आगे की बात जल्दी मत करो और दूसरी बात मैं कह दू एक कौवी थी ना कौवी कौवे की मां अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रही थी कि देख कोई झुक के कंकड़ उठावे ना तुरंत उड़ जाना अपने बच्चे को जहां झुकाओ कंकड़ उठाए उड़ जाना तो कहता है माँ यदि ही में लिए हो तो कह लगे अब तो तेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है तू तो पहले ही से समझ गया हाथ में लिए हो तो इसी तरह से जो हमारे सिखाने से भी आगे चले गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं है हाँ और जो जो अभी सीखना है तो जो हम सिखा रहे हैं कि कोई झुके तो सावधान रहो विषयों में संसार की वासनाओं से सावधान रहो उनके लिए है और दूसरी छूट है जिस धर्म में जिस समाज में जिस परंपरा में जन्मे हो उस कुल रीति धर्म रीति देश नीति जाति नीति का पालन करते हुए क्योंकि तुम्हारे अलग अलग जाति हैं अलग अलग मान्यताएं हैं यदि तुम मुसलमान होते तो मैं तुमको कहता तुम अपने जाति धर्म का पालन करते रहो तुम्हारा कल्याण होगा हम ये नहीं कहते तू अपना धर्म छोड़ तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म का पालन करो मैं नहीं कहूंगा कि तुम इस्लाम का पालन करो यह ध्यान रखना तुम मुसलमान होते तो मैं कहता तुम मुसलमान रहते मेरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो यदि ये ये विदेशी हैं तो ये अपने ढंग से रहते ये हमारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते पर तुम्हें नहीं कहूंगा कि इनकी तरह रहो फर्क समझ लें तुम अपनी मान्यता को छोड़कर यदि भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे यह शास्त्र विधि मुस्सिज वर्तते कामकारता न स सिद्धि होती न सुखम न परांगति इसलिए आप अपने कुल धर्म चलो नहीं ज्यादा जानते जिस समाज में जन्मे हो तुम इन नए छिछेरे लोगों का नकल मत करना आजकल के पढ़े लिखों को नहीं कई बार अनपढ़े पढ़े लिखों को सोचते ये जब पढ़ा ऐसा है तो ये ठीक ही होगा एक बार पत्रकारों ने बामदेव जी से पूछा कि आप ए, अभी तक सोए थे क्या कहने लगे हां सोए थे जब ये राम जन्मभूमि की बात की तो कहने लगे अभी तक आप सोए थे क्या कहने लगे सोए थे कारण बताएं कहीं जब आजादी मिली अपने देश के लोगों के हाथ भाग डोराई अपन निश्चिंत तो हो गए कि जब हमारे ही लोग सत्ता में हैं अब हमको क्या जरूरत कुछ सोचने की मंदिर की देश की ये आप ही करेंगे चूंकि अपने देश के ही लोग हैं तो यही बात है कभी कभी व्यक्ति अपनी इंद्रियां मानकर अपना मन मानकर समझता है कि ये जो कहता है ठीक है कभी दो लड़के लड़े हो तो तुम अपने बच्चे की बात मान लेते हो दूसरे को ज्यादा चाहे तुम्हारा ही गलत हो ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपना ही मन इसलिए ये जो सोचता है सही है आजकल बच्चे ये मनमानी क्यों करते हैं क्योंकि उनको पसंद आता है लगता है सही है और जो लोगों ने कहा है सब बकवास है धर्म अफीम है कथाएं बेकार है अरे वर्तमान की मौज मस्ती प्राकृतिक है शरीर के मन के इंद्रियों की मांग है ये बाबाएं क्या बताते रहते हैं वो नहीं मानते मोक्ष क्या है वो नहीं जानते शांति क्या है अभी और यही लोग आत्महत्या करते हैं फिर यही लोग बाद में दुखी होते हैं आज जो बच्चे अभी हमारी नहीं सुनते कल यही चक्कर लगाएंगे ये ज्योतिषियों के यहां भागे फिरते हैं समय पे नहीं मानते बाद में पछताते हैं इसलिए आपके स्वरूप में स्वरूप चिन्ह मात्र सत्ता में कुछ नहीं है पर चिन्ह सत्ता अलिप्त होते हुए चिदाभास के धर्म चेतन को में आरोपित होते रहते रिफ्लेक्शन के धर्म सूर्य में आरोपित है सूर्य में कुछ नहीं होता आभास में होता है लेकिन हम अभी आभास होके जीवित हैं, हम सूर्य हैं ये कभी हमें ख्याल आया ही नहीं पर तर्क और दलीलों से अन्वय और व्यतिरेक से ये एक पद्धति है भागवत में और के द्वारा कि क्या चीज नहीं रही सूर्य जब कहेगा मैं जगा मैं सो गया मैं हिल गया तब हम सूर्य से कहेंगे कि जब सूर्य हिला था तब तुम थे हाँ थे हिलना चला गया ना अब क्या है स्थिर है अब स्थिरता जाएगी कि नहीं हाँ जाएगी ये, ये इसके अलावा कौन है जो हिलते समय था स्थिर समय था जगते समय था सोते समय सूर्य वो है जो जगता हिलता है या जो हिलते जगते को जानता रहता है कौन सूर्य है असली सूर्य कौन है तो साक्षी में हूं या आभाष में हूं यह निर्णय आभास चेंज होता है तू आभास को मैं मैं कहे जा रहा है और ये निन्यानवे परसेंट लोगों को यही सच लगता है पर सच ये है कि जो हिलता है डुलता है बदलता है वो मात्र प्रतीति है और जिसके कारण ये सब दिखता है वो कभी भी कुछ हुआ नहीं है वो का त्यो है और वही तू है तत्वमाशी वह तू है तू ये नहीं है तू वह है यह है तत्वमाशी महावाक्य नौ बार नौ बार शिष्य को गुरु ने बताया तत्वमाशी वह तू है एक बार नहीं बताया समझाते 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 जैसे हम तत्वसी तत्व मसी, मसी एक दिन एक दिन यदि हम एक सौ आठ बार तत्व बोल दें तो तुम ज्ञान हो जाओ समझाते समझाते वह तू है ये बदलता है ये अवस्थाएं हैं ये आभाष है जागर स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की आभाष की अवस्था तू आभास से परे है आभास को धरे है आभास का अधिष्ठान है आभास कल्पित है तू यथार्थ है ये अप्रमा रूप है तू रूप है तू नित्य शुद्ध नित्य शुद्धम निरा निराकार निरंजनम और मैं दावे से कह सकता हूं विश्व के सारे ग्रंथ इकट्ठे करो तो हमारे एक ग्रंथ में जितना लिखा है उतना विश्व के सब ग्रंथों में नहीं लिखा पर तुम नहीं सोचो तो क्या करें और जितना शार और स्पष्ट दर्शन इसको बोला दर्शन वेदांत दर्शन वेदांत ने किस नजरिए से देखा है दर्शन है आंखों से दिखता है कानों ये जो दर्शन है ये प्राकृतिक दर्शन है ऋषियों ने देखने का ढंग ये ऐसा है ये ऐसा है तुम ये हो तुम्हें ऐसा खड़ा करके दिखाया कि देख लो तो मुक्त हो जाओ जानो तो मुक्त हो जाओ जानत तुम्हें जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाये सोई जाने जय देव जनई ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत ब्रह्मविदा ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर जो इसका स्मरण इस करे सो मुक्त हो जो इसका ख्याल करे वो मुक्त हो जाता है शर्त साथ में कि थोड़ा गुरु के कहने पर शुरू में चले जो गुरु के कहने पर धर्म नहीं मानेगा गुरु के महीने पर नियम कानून नहीं मानेगा वो गुरु के कहने से ब्रह्म ये दिल से मान लेगा गुरु के कहने से भी वही मानेगा जो मानने का आदत डाली है सोचना जिसने गुरु के कहने से पाप का त्याग कर दिया जिसने जिसने गुरु गुरु से 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 के कहने था 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 था। के कहने कहने नशे का त्याग कर दिया दुराचार का त्याग कर दिया जिसने गुरु के कहने से नियम पाल लिए वो गुरु के कहने से ब्रह्म भी समझ जाएगा तो आप बधाई के पात्र हो एक और पढ़ दें जो आज मैं सच्चिदानंद रूप हूं यह जान लेने से जगत जगत रूप से रहता है या जगत ब्रह्म रूप दिखता है दोनों स्थिति रहती जिस समय ब्रह्म रूप से देखोगे उस समय ब्रह्म ही रूप रहेगा जिस समय बर्तन मकान को मिट्टी के ख्याल से देखोगे ख्याल में आना चाहिए घड़े में है कि नहीं तो घड़ा कुछ नहीं मिट्टी रहेगी और जिस समय तुम्हारा प्यास और ज्यादा झुकाव घड़ा घड़ी की तरफ होगा उस समय मिट्टी -टी भूल जाएगी वो घड़ा बन जाओगे घड़ी का आकर्षण पकड़ लेगा मेल फीमेल का आकर्षण उस समय तुम आदमी हो जाओगे वासना ने तुम्हें आदमी बनाया है निर्वासना तुम्हें ब्रह्म बनाएगी इसलिए वासना का त्याग ही ब्रह्म ज्ञान का साधन भी है और ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता भी है वासना ही तुमको और कुछ दिखाती है इसीलिए जब काम वासना आई तो पुरुष स्त्री देखने लगे स्त्री पुरुष देखने लगे और बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्रह्म देखते थे स्त्रियां देखने लगे नारी में देखने लगे जो ब्रह्म में देखते रहे ये तो पहले ही सब लिख रखा है और जरा सा अकल ठीक हुई काम का वेग गया स्त्री स्त्री लगनी बंद पुरुष पुरुष फिर ब्रह्म समझ में आ जाएगा पर ज्ञानी होगे तो ज्ञानी हो तो भी आंधे हो करके जगत में देखने लगोगे ब्रह्म भूल सकते हो पर यदि देखना आ गया है तो आंधी निकल जाएगी काम का वेग खत्म होगा ईर्षा खत्म हो जाएगी द्वेष जाएगा और फिर तुमको लगेगा यार उतनी देर को दिमाग खराब कर दिया था तो कोई नहीं सोप नहीं था सत्य तो ब्रह्म ही है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या फिर ये समझ आएगा वेग के समय नहीं समझ आएगा हाँ दो दो दंड सबकी अकल खराब हो गई हाँ बड़े बड़े आंधी तूफान आया क्या 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 दिखने लगा ये जिंदगी का चित्रण है रामायण कोई कल्पना नहीं है आजकल लोग पढ़ाते हैं राम हुए नहीं ये उपन्यास है ये कहानियां है ऐसा कोर्स में पढ़ा रहे हैं केंद्र के विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है हा अब ये केंद्र क्या करें या इसका तो केंद्र तोड़ना ही चाहिए कोई और कुछ करना चाहिए पर दुर्भाग्य है तुम्हारा कि हमारी कथा सुन के यहीं झाड़ जाओगे और देश के लिए कुछ नहीं करोगे जिस जमीन में रह कर ये ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में यह हमें बोलने देंगे फिर कहाँ बोलोगे हमें तो ये भी लगता है कि इसी देश में कई पार्टियां कुछ दिनों में प्रवचन में भी प्रतिबंध लगाएंगे नहीं बोल सकते एक जगह हम गए सिकोहाबाद तो पार्टी वालों ने कहा ये नहीं बोल सकते तो हमने कहा फिर हम बोलेंगे ही नहीं हम यज्ञ से जाते हैं और हमको चले आने दिया नहीं बोलने दिया ये तो अभी इस युग की बात है और इस देश के अपने लोगों की सरकार है और कहीं उनकी हो जाएगी सरकार तब भी क्या होगा इसलिए जिस जमीन पर हमें कथा करनी है जिस धरती पर हमें ज्ञान देना है इस धरती में अच्छी सरकारें लाकर संस्कृति की रक्षा करने वाली और विश्व के स्तर पर भारत के झंडे को फहराने वाली संस्कृति चाहिए और हम विश्व के गुरु होकर दिखाएं कि भारत ये था पर ये चोर लुटेरे लफंगे लुच्चे होकर तुम विश्व के गुरु बन जाओगे ये नहीं हो सकता सिर्फ वेदांत ही पढ़ कर के नहीं होगा वेदांत को प्रैक्टिकल अर्थात जीवन में जी करके दिखाओ कि हम ब्रह्म बोलते ही नहीं हैं हम जीते हैं हम चरित्र की बात करते नहीं है जीते हैं नहीं तो फिर क्या है इसीलिए फिर विदेशी लोग कहेंगे यहाँ के लोग बोलते हैं तो बहुत हैं हमसे गए गुजरे हाँ ये ध्यान रखो तो बात बन सकती है इतना ही कहकर समाप्त करते हैं पर जान लेने से जगत जगत रूप से रहता है या जगत ब्रह्म रूप दिखता है क्योंकि मैं सच्चिदानंद रूप हूं मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं यह नहीं शेष रहता है क्या यह आखिर की लाइन जरा अधूरी लगती है कि यह शेष नहीं हां ये बनावट रहेगी घड़े की मकान की रहेगी पर सत्य एक रहेगा और वो एक जब वासना प्रबल होगी तो बनावट सच्ची लगेगी जब उपासना प्रबल हो जाएगी तो संसार झूठा लगेगा दोनों की आवश्यकता है ये देखना है क्योंकि अभी हमारे पास उपासना कमजोर है वासना प्रबल है फिर दोनों बराबर होंगे फिर एक दिन वासना रहेगी नहीं जो हमने गुरुओं से सुना वो उपासना मेरा जीवन बन जाएगी ओम शांति शांति शांति

बीच पूज्य महाराज महालक्ष्मी निकलेंगे पर आप चलते समय रहे प्रणाम नहीं करेंगे चलते समय रहे प्रणाम नहीं करेंगे दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। अच्छा।